हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम्स फूड रेसिपी। चलिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल काजुन पोटैटो की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड बेबी पोटैटोस। इसे हम बिना पील किए ही यूज़ करेंगे। अब हमें इसे क्रश करना है, तो मैंने मैशर यूज़ किया है। आप ग्लास या छोटा बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे बेबी पोटैटोस को क्रश कर लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए पोटैटोस को ओवर कुक नहीं करना है और उसे पील नहीं करना है, क्योंकि छिलकों से इसकी माइंडिंग बनी रहती है। नेक्स्ट हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है, जिसमें हमें 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और उसमें पानी डालकर उसे मिक्स करेंगे। इसकी हमें स्लरी बनानी है, जिसमें पोटैटोस को हम डिप करेंगे। अब क्रश किए हुए पोटैटो को स्लरी में डिप करेंगे और उससे हम कोट करेंगे। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो पहले ही हम ऑयल को कढ़ाई में गरम कर लेंगे। अब सारे पोटैटोस को वन बाय वन स्लरी में डिप करके ऑयल में ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन्हें फ्लिप करते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए, तो इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। और ये हमारे बेबी पोटैटोस फ्राई होके रेडी है। नेक्स्ट हम पोटैटोस के लिए डिप रेडी करेंगे, तो एक मिक्सिंग बाउल में हम 1 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करेंगे, साथ में 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून केचप, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से मिक्स हर्ब और लास्ट में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा डिप बनके रेडी है। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो फ्राई किए हुए पोटैटो को हम प्लेट में ऐड करेंगे। अब हमने जो मेयोनीज की डिप बना के रेडी की है, उसे हम पोटैटो के ऊपर ऐड करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल काजुन पोटैटो को बनाना बहुत ही इजी है। आप अपने घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। आप इसे एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सर्व करने से पहले इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने बारीक कटी हुई प्याज को ऐड किया है। टेस्ट और कलर के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और मिक्स हर्ब। आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल काजुन पोटैटो बिल्कुल रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर ट्राई करने के बाद आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।